हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान पुरुष के बारे में बात करेंगे जो प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार वो महान शख्स कौन है। ज्योति बसु, जिनकी आज पुण्यतिथि है, 17 जनवरी 2010 को उनकी मृत्यु कोलकाता में हुई थी। 23 साल तक पश्चिम बंगाल में बतौर मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाले बसु के बारे में ये भी कहा जाता था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे। बसु का जन्म पूर्वी बंगाल यानी अब का बांग्लादेश में 18 जुलाई 1914 को हुआ था। उन्होंने कोलकाता के कैथोलिक स्कूल से पढ़ाई की, फिर सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़े। उसके बाद वकालत की पढ़ाई करने वो लंदन चले गए। इसी के साथ 1930 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सदस्यता ली। जल्द ही वो पार्टी के एक अहम पदों पर पहुंचे और फिर वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने। बसु की सरकार ने राज्य में कई महत्वपूर्ण काम किए। ज्योति बसु की अधिकृत जीवन लिखने वाली सुरभि बनर्जी ने अपने किताब में इस बात का जिक्र किया है कि ज्योति बसु हमेशा प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। बसु ने खुद दो बार ये ऑफर ठुकरा दिया था, पर 1996 में तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला। इस बार वो प्रधानमंत्री बनने को तैयार थे। उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी अनुमति देगी तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्हें धक्का तब लगा जब पार्टी ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। दरअसल केंद्र में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और मिली जुली सरकार बनी थी, पर बसु की पार्टी में इसके लिए एकमत नहीं बन सका। बसु ने काफी कोशिश की कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार का हिस्सा बन जाए, पर पार्टी ने उनकी एक नहीं सुनी। पार्टी के कई सदस्य इस बात पर तैयार नहीं थे कि कांग्रेस समर्थन वाली केंद्र सरकार का हिस्सा बन जाए। बाद में ज्योति बसु ने कई इंटरव्यू में अपनी नाराजगी भी जताई और कहा कि पार्टी का ये फैसला राजनीतिक द्वंद्व का परिणाम था। बाद में ये भी कहा गया कि माकपा की केंद्रीय कमेटी के कई सदस्यों ने पहले ही तय किया था कि बसु को प्रधानमंत्री बनने से रोकना है। खबरें आती रही कि पार्टी के इस फैसले से बसु काफी दुख जता रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले 1989 में लोकसभा चुनाव के बाद भी ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला था। ये ऑफर उन्हें चंद्रशेखर और अरुण नेहरू ने दिया था। दूसरा मौका 1990 में मिला था, जब केंद्र में बीपी सिंह सरकार गिर गई थी। राजीव गांधी की नजर में तब भी ज्योति बसु थे, पर बसु ने मना कर दिया था। इसी के साथ उनके प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज ही के दिन 17 जनवरी 2010 में ज्योति बसु का निधन हो गया था। खैर, ज्योति बसु की पार्टी ने उनके साथ जो भी किया हो, लेकिन तब भी ज्योति बसु का कद देश की सियासत जगत में एक खास अहमियत रखता था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी ज्योति बसु से जुड़ी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।